अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2024 की तीन बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री टू, थालापति विजय की फिल्म द गोट और जूनियर एनटीआर की फिल्म देवाराज शामिल है। और आपको बताएंगे इन तीनों फिल्मों का आज का और अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बाजी और कौन बना बॉक्स ऑफिस इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जूनियर एनटीआर, थालापति विजय या फिर राजकुमार राव। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थालापति विजय की फिल्म द गोट के बारे में। जैसे कि आप सभी को बताएं, इस फिल्म में आपको थालापति विजय के साथ प्रभु देवा और भी कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे। वहीं फिल्म को लगभग 330 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया, लेकिन फिल्म की कहानी ठीक ठाक होने की वजह से फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 5000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया और पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने फिल्म को 3.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से सभी का मानना था फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर काफी बड़ी ओपनिंग करेगी। लेकिन आपको बता दें फिल्म का पहले दिन का हिंदी कलेक्शन थोड़ा कम रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1,85,00,000 रुपए की ओपनिंग की। लेकिन फिल्म अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुई और फिल्म अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी शानदार रहते हुए 121,50,00,000 रुपए से भी ज्यादा रहा, जिस वजह से फिल्म अपने दूसरे दिन से लेकर अपने सातवें दिन यानी पहले हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब हुई। वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 11,30,00,000 रुपए के आसपास कलेक्शन किया, जिस वजह से फिल्म का पहले हफ्ते का हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 178 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। लेकिन फिल्म ने अपने पहले हफ्ते वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी जंप पाई और काफी अच्छा कलेक्शन करते हुए 330 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो थालापति विजय की फिल्म द गोट को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 21 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अपने 21वें दिन यानी आज सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1,05,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही है। वहीं फिल्म का आज का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भी लगभग 1,51,00,000 रुपए से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिस वजह से फिल्म का अभी तक का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20,81,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म का सभी लैंग्वेज का ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी शानदार रहेगा और टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 246 करोड़ रुपए का धमाकेदार आंकड़ा पार कर देगी, जिस वजह से फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 461 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेगी और फिल्म अपने बजट को आसानी से रिकवर करते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी और इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक स्त्री टू के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है स्त्री टू फिल्म में आपको राजकुमार राव के साथ श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े स्टार कास्ट नजर आए थे। वहीं फिल्म को सिर्फ 60 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया, लेकिन फिल्म की कहानी काफी अच्छी होने की वजह से फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और काफी अच्छी कॉमेडी इंटरटेनिंग फिल्म होने की वजह से फिल्म को ऑडियंस ने 4.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2100 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई। वो फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफी बड़ी ओपनिंग की। वो फिल्म 2024 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनते हुए 55,40,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब हुई, जिस वजह से फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी अच्छी पकड़ देखने को मिली। वो फिल्म के दूसरे दिन फ्राइडे होने के बावजूद फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाए रखी और काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी पाते हुए 31,40,00,000 रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जिस वजह से फिल्म का तीसरे दिन का सैटरडे का कलेक्शन देखने लायक रहा। वो फिल्म ने अपने तीसरे दिन सैटरडे को बॉक्स ऑफिस पर फिर से काफी अच्छी जंप पाते हुए 43,85,00,000 रुपए कमाए, जिस वजह से सभी का मानना था फिल्म अपने चौथे दिन संडे को बॉक्स ऑफिस पर और भी काफी बड़ी ग्रोथ पाएगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने चौथे दिन संडे को बॉक्स ऑफिस पर और भी काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 55,90,00,000 रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी और 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार कर देगी। और आखिरकार यह सही साबित हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने पहले हफ्ते अपने बजट से लगभग 5 गुना से भी ज्यादा की कमाई करते हुए 307,80,00,000 रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो स्त्री टू फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज आज 42 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अपने 42वें दिन यानी आज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1,25,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही,
जिससे फिल्म का 42 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 608 करोड़ 32 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन देखने लायक रहेगा और फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 798 करोड़ रुपए का धमाकेदार आंकड़ा पार कर देगी और उम्मीद है फिल्म जल्द ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी और इस साल की साउथ की एक और बड़ी फिल्मों में से एक देवरा के बारे में। जैसे कि आप सभी को बताए देवरा फिल्म में आपको जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और भी कई मल्टीस्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। वही फिल्म को 300 करोड़ रुपए के बिग बजट पर बनाया जा रहा। लेकिन अगर फिल्म के स्क्रीन काउंट और फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो देवरा फिल्म को ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिस वजह से माना जा रहा है फिल्म अगर ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई और फिल्म को लेकर काफी पॉजिटिव वर्ड आ पहुंच रहा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। और अभी से एडवांस बुकिंग को लेकर माना जा रहा है फिल्म रिलीज के पहले ही एडवांस बुकिंग काफी तगड़ी कर चुकी है, जिस वजह से सभी को उम्मीद है फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी पाते हुए लगभग 11 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग करे, जिस वजह से फिल्म का पहले दिन का हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ यानी ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने लायक रहेगा। वो फिल्म अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 90 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करेगी। लेकिन फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन और भी ज्यादा रहेगा। वो फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 125 करोड़ रुपए का धमाकेदार आंकड़ा पार कर देगी, जिस वजह से फिल्म 2024 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों आज के और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने मारी बाजी, जिस वजह से राजकुमार राव श्रद्धा कपूर बने बॉक्स ऑफिस इंडिया के 2024 के सबसे बड़े सुपरस्टार और स्त्री 2 बनी इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन अगर आपने इन तीनों फिल्मों को देखा है तो आप इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे 2024 की इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म? जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा को, थालापति विजय की फिल्म द गोट को, या फिर राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 को? और कौन से सुपरस्टार को कहोगे बॉक्स ऑफिस इंडिया का इस साल का सबसे बड़ा रियल सबसे बड़ा सुपरस्टार? थालापति विजय को, राजकुमार राव को, या फिर जूनियर एनटीआर को? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल एक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।